आज हुसैन आलम कबूतरखाना स्थित बीजी इंदौरिया हेल्थ केयर का अभी कुछ देर पहले हमारे हैदराबाद के सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। यह चैरिटेबल क्लिनिक है, यहाँ पर मिनिमम फीस पे मैक्सिमम इलाज प्रोवाइड किया जाएगा। श्री असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पहुँचने पर बहुत उत्तम स्वागत किया गया, साथ ही साथ उनको पगड़ी शाल द्वारा माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत किया गया, विभिन्न राजस्थानी संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। यहाँ पर ये जो बीजी इंदौरिया हेल्थ केयर आज इनाग्रेशन हुआ, इसके करकम जो प्रायोजक है वो है अमित इंदौरिया और साथ में हमारे कबूतरखाना के राजस्थानी समाज के वयोवृद्ध लोग श्री राजेंद्र जी राठी, विजय कुमार जाजू, श्याम सुंदर नावंदर, ओम प्रकाश अटल, राजेश अग्रवाल, किशन जाजू, परमानंद इंदौरिया जी, ओम प्रकाश इंदौरिया, कमल इंदौरिया, नटवरलाल इंदौरिया, वेद प्रकाश जोशी और वेणु जाजू, आनंद अटल, रुपेश सोनी, नितिन शर्मा, द्वारका नावंदर, संदीप गिल्डा और हसनैन यहाँ पर जो सेवाएं प्रदान करेंगे उनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास जो कि एमडी है और डॉक्टर शफी साहब भी यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। ये कबूतरखाने में बहुत 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 दिनों से इसकी ज़रूरत थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमारे हैदराबाद के सांसद जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, पूरे भारतवर्ष में ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को भी नहीं मिलेगा जो हमारी छोटी सी आवाज़ को सुनता है, जो हमारी हर चीज़ को गरीब अमीर का इसके उनके पास भेदभाव नहीं है, वे उन्नत वर्ग से रहते हैं। यहाँ के हमारे पुराना बुल क्षेत्र के कारपोरेटर सुन्नम राजमोहन जी का भी हमको बहुत सहयोग मिला, उनका भी यहाँ पर स्वागत सम्मान हुआ। साथ में पत्थरगट्टी के कारपोरेटर मोहम्मद सोहेल खादरी भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन हुआ। मुकरम अली साहब जो पूर्व पार्षद है उनका भी यहाँ पर सम्मान हुआ और भी विशिष्ट अतिथिगण, राजस्थानी समाज एवं विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। मैं सभी का हृदय से श्री बीजी इंदौरिया हेल्थ केयर की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी इनॉग्रेशन हुआ था इंदौरिया का, इसका पहली मरतबा।